Assalamu alaikum, main hoon Nazia Amin. I am the CEO of iMarketeer and I work as a lifestyle management consultant. Main personal branding ki coaching karti hoon aur aaj hum yahan pe jis initiative ke saath aap se deal kar rahe hain, baat kar rahe hain aur ab is silsile ko aage badhate chalenge, uska naam hai Keep Calm and Combat Coronavirus. Aur mere saath hamare panel pe guests maujood honge jo hamare specialists, experts, holistic healers, gurus, lifestyle consultancy mein bahut sari cheezein aati hain jo वेलनेस से कनेक्टेड है. चूंकि ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया था 2015 में, इसका नाम है इनकार्नेट. आज हम इस वेक ऑफ द कोरोना वायरस में डील करना जानना सीखना चाहते हैं कि इनर वेलबींग, मेंटल इमोशनल वेलबींग और वेलनेस होती क्या है और होनी चाहिए, कितनी ज़रूरत है हमें इसकी. तो इसके सिलसिले में आज हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर फैसल मामसा हु इज़ अ साइकाइट्रिस्ट and Ramesa Reem, she is a UK certified holistic trainer, attitudinal trainer and positivity coach. And वो हमारे साथ होंगे और आपके जितने सवाल आते हैं related to stress, emotional upset जो हमारे पास इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ pandemic, उससे deal करना, cope करना और इस isolation या social distancing के time में इस campaign को चलाने की, इस awareness को create करने की जो हमें ज़रूरत feel हुई है, उसका purpose ही यही है दैट हम एक यू नो इस सिचुएशन का एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें. तो दैट इज़ समथिंग दैट हम सब मिल के कर सकते हैं. आप भी हमें ज्वाइन करें एंड जो भी आपके सवाल आते होंगे हमारे एक्सपर्ट्स उसके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें. सवाल हम लेना शुरू करेंगे. आई वुड जस्ट लाइक टू रीइंस्टेट के जो हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं सो दैट ऑडियंस जब तक बिल्डअप हो जाती है. वी आर ऑल हेयर इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस. It is a pandemic, it is an alarming situation and we are in Pakistan at the moment. Obviously, hamara reaction ya response kadre behtar hai aur WHO ke mutabik sabse acha response Pakistan ka hi aaya hai. So, in maat se puchhenge ki aap kya pehla advice kya kahenge in the wake of coronavirus? Dekhen, sabse pehle main aap logon ko phir se remind karana chahunga ki WHO se hame warning to main nahi kahunga, WHO se hame guidelines aayi hain कि हम मेंटल इलनेसेस को प्रिवेंट करें या जो एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेसेस हैं उनको आगे ना जाने दें. अब इस चीज़ के लिए एज़ यू सेड कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल डिस्टेंसिंग विच इज़ के रीडिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विथ नेगेटिविटी, पेसिमिज्म, उससे आप दूर रहें. अच्छा जी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम डिस्कस कर रहे थे वो ये चीज़ थी कि बोर हो रहे हैं घर में, क्या करें घर में. तो परहैप्स हमें ये अच्छा टाइम मिला है जिसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी फिर से जीना शुरू करें, वो ज़िंदगी जो आज से 20 साल पहले हम जीतते थे. बिल्कुल, दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट एक्चुअली. यस, एक्सरसाइज करें, हैव लॉट्स ऑफ वाटर, हैव गुड न्यूट्रिशन, हैव बैलेंस्ड डाइट. अपने डाइट में जो है वो विटामिन सी ऐड करें, ऐसी चीज़ें ऐड करें जिससे हम ज़्यादा फाइट कर सकें एक्सटर्नल इलनेसेस के लिए. बेसिकली ये चीज़ें कि लोगों से दूर रहें. एंड यस, ऐसे लोग जो आपके सामने बैठ के इस वायरस से रिलेटेड नेगेटिविटी या पेसिमिज्म को डिस्कस कर रहे हों, थोड़ा सा उनसे हम डिस्टेंस हासिल करें. So what would you say, Ramesa, as an expert? Not everybody knows कि positive state of mind रहना means ये नहीं कि हर वक्त chirpy और happy रहना, but just to remain calm, keep calm. तो how easy or how difficult it is, as Dr. Saab also says, कि अपने 90s वाली life को हम दोबारा से enjoy करना शुरू कर दें. So as it's a blessing in disguise, look at the pros rather than the cons. देखिए, the reason, I'm going to start with the fact that the reason हमने सोचा कि हम सोशल मीडिया से ये जो है इनिशिएटिव लें इज़ बिकॉज़ हम सब घर में हैं, बाहर निकल नहीं सकते, बाहर जा के पब्लिक सेशंस कर नहीं सकते. जो एक चीज़ जिस पर हमारे पास एक्सेस है वो है सोशल मीडिया. दैट इज़ नॉट समथिंग वी हैड इन 90s. हाउएवर, सोशल मीडिया से हमें बहुत ही नेगेटिव बातें भी सुनने को मिलती हैं. व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस हो गया, वो बेहोश हो गए, आज जो है वो पेस्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर, इस किस्म के. तो जब ये मैसेजेस आए, बहुत ज़रूरत, हमें बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव रहने के लिए या तो हम इस चीज़ की तस्दीक करें कि ये सही सोर्स से आया है कि नहीं, या फिर हम उसको ब्लॉक करें. सबसे पहले तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये रियलाइज़ करें
कोरोना वायरस है, मौजूद है इस दुनिया में, उसके प्रिवेंशंस बहुत ज़रूरी हैं. ज़रूरी हैं कि हम जो है डॉक्टर फैसल माम साहब में ज़्यादा बताएंगे प्रिवेंशंस के बारे में, बट फिज़िकल प्रिवेंशन ज़रूरी है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग आता है, यानी कि हम बाहर ना निकलें अनलेस एंड अनटिल हमें कोई ज़रूरियात के सामान लेना हो. लेकिन एट द सेम टाइम इंटरप्ट विद दैट कि ऐसी जगहें जहां हमें जानी चाहिए जैसे क्लिनिक्स हों, जैसे क्लिनिकल सेटअप्स हों, वहां से गुरेज ना करें. नहीं, आई अग्री विथ यू कम्प्लीटली ऑन दैट एंड आई एम कमिंग टू दैट. बट सोशल डिस्टेंसिंग डज नॉट मीन कि आपकी तबीयत ख़राब है और आप हॉस्पिटल ना जाएं. सोशल डिस्टेंसिंग डज नॉट मीन कि आपको मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना है और आप उनके पास ना जाएं. सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स कि आप पार्टीज़ में ना जाएं. इट मीन्स के जो हैं हर रोज़ बाहर घूमने फिरने के लिए ना निकले, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं. हाउएवर दैट डज नॉट मीन यू आर अलोन. घर पे बैठने का ये मतलब नहीं होता है कि वी आर अलोन. वी हैव टू बी पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस टाइम. पॉजिटिविटी एक स्टेट ऑफ माइंड है और पॉजिटिविटी हमें सराउंड करती है. तो मेरा ओपिनियन ये है कि इस टाइम में अगर हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहेंगे हाई करोना वायरस, हाई करोना वायरस, हाई करोना वायरस, हमें लग जाएगा, किसी के पास हम ना जाएं, 20 बार हाथ सैनिटाइज करें, अरे ये फॉरवर्ड मैसेज आया उसको फॉरवर्ड करेंगे, इसको फॉरवर्ड, पूरा दिन तो इसी में निकल जाएगा. उससे बेहतर लेट्स टेक अ स्टेप बैक, लेट्स गो बैक टू द 90s, जहाँ पे इंस्टेड के हम सोशल गैदरिंग्स में जाएं और जो है सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स फॉर्म करें या क्लोज रिलेशनशिप्स भी, वी कैन गिव अ कॉल टू आर क्लोज फ्रेंड. दुनिया छोटी हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, हम अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बैठ के कन्वर्जेशन कर सकते हैं, हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, हम मज़ेदार चीज़ें देख सकते हैं टीवी पे, घर में जो है वो घर वालों के साथ टाइम गुजार सकते हैं, और दिमागी तौर पे वी कैन स्टे पॉजिटिव, वी कैन लुक एट पॉजिटिव थिंग्स. अगर आप एक ग्लास को देखें तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो ग्लास हाफ एम्प्टी है कि हाफ फुल है. इसी तरह आप डिसाइड कर सकते हैं कि घर में रहने से क्या आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करके और दूसरों से, फ़ोन से और मज़ीद अलग तरीक़ों से इन टच रह के आपको कुछ चीज़ मिल सकती है, या बाहर ना जाने से आप बिल्कुल ही दुनिया से शट है और आपकी और ग्रोथ नहीं होगी. मे आई इंटरप्ट इन दैट द बेसिक आइडिया कि जी सेल्फ रिफ्लेक्टिंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन ये चीज़ है कि आप सोचें कि आपने ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें नहीं की हैं. कोशिश करें कि वो चीज़ों के बारे में सोचें कि उसको किस तरह किया जा सकता है. बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कॉमनली होता है, और बाशऊर लोग जो हैं इस सेल्फ रिफ्लेक्शन का फ़ायदा उठाते हैं अपने आप को, अपनी पर्सनल ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए, ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए. देखिए जी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस. गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हमें कोशिश करके डिस्टेंस थोड़ा सा आपस में मैनेज करना होता है बच्चों के साथ. बात यह है कि जी आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये वायरस हमारे माउथ से या हमारे नोज से अंदर जाता है, माउथ में नहीं रहता, बट माउथ से हमारे सांस लेने की एरियाज पे, हमारे फेफड़ों पे जाता है. तो अगर हम स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर लेते रहें तो वो हमारे मुंह से हमारे मैदे में जाएगा. हमारे मैदे में कुछ ऐसी एसिड्स होती हैं जो कि इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगी. तो स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर जो है वो ज़रूर लेते रहें, बेसिक चीज़. दूसरी चीज़ ये कि हाँ, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, लेकिन इतना भी ना कर दें कि आप ऑब्सेस हो जाएं. हाँ, आप लोगों को आदत है कि घर की सफाई कराते रहें, लेकिन इतने भी ऑब्सेस ना हो जाए कि हर वक्त घर की सफाई होती रहे. यस, इम्यून बूस्टर्स जिससे इम्यूनिटी बढ़े, जैसे विटामिन सी, जैसे जिंक, जैसे टर्मरिक, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस हो सके. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ, वो ये कि अमूमन हम, हमारे जो सीनियर लोग होते हैं, यानी 50-60 से ऊपर के जो लोग होते हैं, हम उनकी हेल्थ को थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं. हम ये कहते हैं कि नहीं जी, बूढ़े हो गए हैं, उतना पैसा उनके ऊपर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. ये वो सेगमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है कोरोना वायरस से या किसी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से. इनकी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने का ज़रूर ख्याल रखें. I hope I've answered the question. Yeah, and if I could just put in two cents, the question was, I believe, particularly about how to deal with children and teens. बच्चे और नौजवान जो हैं वो घर में रहना ही नहीं चाहते ना, वो कहते हैं हमें जकड़ के रख दिया है घर में. तो I experienced that as well. Not that I don't have kids, I don't deal with
teens in that way, but I deal with a lot of youth. नौजवान नस्ल के साथ मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में. और होता यह है कि आप जितना ज़्यादा उनको इंगेज रखें उतना वो इंगेज रहेंगे. दे हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट. जहाँ बच्चों की बात है, बच्चे बहुत समझदार हैं. उन्हें अगर बोलें कि बेटा आप फुली रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ को आगे लेके चलने में, आप प्लीज़ बताइए कि जो है व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. उन्हें वीडियोस दिखाइए. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन आर विलिंग टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. आप उनको अगर बोले कि बेटा मम्मा को प्लीज़ याद दिलाते रहो कि पानी पीते रहें, वो आपको आके याद दिलाएंगे. यू कैन टेल योर टीन्स दैट लुक यू आर गोइंग आउट दैट्स फाइन, बट यू आर गोइंग आउट इन अ टाइम विच इज़ नॉट सेफ. यू नीड टू यूज़ योर माइंड. डू यू थिंक यू आर स्मार्ट इनफ? बिकॉज यू आर स्मार्टर देन मी. टेक्नोलॉजी देख के मुझे प्लीज़ बताओ कि क्या करना चाहिए. एक चीज़ में मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा. कोशिश करें कि पब्लिक गैदरिंग में ना जाएँ. कोशिश करें कि गाड़ियों में बैठ के कम्बाइंड ना जाएँ. कोशिश करें कि रेस्टोरेंट्स ना जाएँ ऐसे वक्त में. जहाँ तक ये हो गया कि बच्चों को घर में रखें, घर में रख के वीडियो गेम्स उनके हवाले ना करें. बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए वीडियो गेम्स जो है वो इट्स बीन रजिस्टर्ड, इट्स बीन डॉक्यूमेंटेड, इट्स बीन रेकमेंडेड कि ये चीज़ें सही नहीं हैं. तो घर में रखें, उनको कोई एक्टिविटी में खुद इन्वॉल्व करें. बट दे गेट बोर्ड, दैट्स व्हाट वी हियर. तो आप उनके साथ जो है वो गेम्स खेलें, आप उनके साथ जनरल नॉलेज की बातें करें, आप उनके साथ जो है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की बातें करें, न्यूट्रिशन की बात करें. ओके, सो ओके, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर मेबल मामसज़की. शी सेज, आई एम अ डॉक्टर एंड आई हैव टू सी माई पेशेंट्स. द थ्रेट ऑफ अक्वायरिंग दिस एयरबॉर्न इन्फेक्शन इज डिस्टर्बिंग मी. अब वो इस फियर को कैसे कॉम्बैट करें कि वो खुद एक डॉक्टर हैं और उनको जाके जो है पेशेंट्स को देखना ज़रूरी है, वो क्या करें? जैसे मैंने कहा कि डिस्टेंस मेंटेन करें 1.5 मीटर और 4-5 फीट का. अगर हो सके ये प्लस माइनस है कि मास्क कौन से किस्म का पहना जाए. जो मास्क रिकमेंडेड है वो मास्क पहने, लेकिन हर पेशेंट से मिलने से पहले और हर पेशेंट के मिलने के बाद सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करें. दूसरी चीज़ ये कि इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएं एंड इफ़ पॉसिबल ग्लव्स यूज़ करें. अच्छा, सो डॉक्टर फैसल, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम बिसाइड्स विटामिन सी और क्या कर सकते हैं? बिकॉज बाज़ार लेने के लिए मैं गई कल, वी कैन ओनली गेट सो मेनी फ्रेश थिंग्स एंड देन वी नीड टू स्टे इनडोर एज वेल. सो वी कांट हैव फ्रेश सॉर्ट ऑफ नींबू, सॉरी फ्रेश ऑरेंज जूस. मैंने जिक्र भी नहीं किया फ्रेश ऑरेंज जूस के लिए, मैंने जिक्र भी नहीं किया नींबू के लिए. मैं सिंपली कह रहा हूँ कि विटामिन सी के टैबलेट्स लीजिए. विटामिन सी के टैबलेट्स, जिंक के टैबलेट्स, हल्दी के टैबलेट्स और 500 mg के विटामिन सी के टैबलेट्स पर डे इज इनफ. डॉक्टर साहब, कोप कैसे करेंगे स्ट्रेस से जो हमें इस सोशल डिस्टेंसिंग या एज शी सेज आइसोलेशन की वजह से फेस हो रहा है? बिकॉज नॉट प्रॉपर्ली जाहिर है हर एक की फैमिली मेम्बर शायद पाकिस्तान में या घर में ना मौजूद हो ज़्यादातर लोग. कुछ लोग वैसे भी फील कर रहे हैं ज़्यादा क्योंकि द हाइप इज़ सो मच. एंड हाउ टू कोप विद दैट? देखिए, मैंने अभी भी आपको चीज़ें बताई. एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ वुड बी दैट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन वेरियस एक्टिविटीज़. अपने हॉबी डेवलप कीजिए, अपनी हॉबी को परस्यू कीजिए. मैं बहुत ज़माने से जो है मेरी हॉबी थी गार्डनिंग, मैं नहीं कर पा रहा था. पिछले दो दिन से आई एम जी बुक्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, इंटरनेट पे न्यूज़ पढ़ें. ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड ना हो, उन चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए. शुड आई आंसर? ओके, ऑलराइट. ओके, सो आई नो दैट आइसोलेशन कैन बी वेरी डिप्रेसिंग, आई अंडरस्टैंड. What happens is that हम लोगों को एक आदत हो गई है कि निकलें, तैयार हों, बाहर जाएं. Obviously, everyone needs fresh air. They need to meet people. They need to mingle. They need to go shopping. But we can do a lot from home. Depressing अगर हो रही है तो I would always say you can turn to technology. I understand what Dr. Faisal is saying. Read a book, gardening, painting. But if you don't have those hobbies, this is a good time to develop an hobby. A hobby I have developed, which may जो शायद लगे सबको कि ये क्या बात कर रही हैं, लेकिन मुझे TikTok मज़ा दे रहा है आजकल. मैं बहुत आराम से TikTok पे जा रही हूँ और उस पर वीडियोज़ बना रही हूँ एंड मैं उसको इन्जॉय कर रही हूँ. फिर मैं अपने ग्रुप फैमिली से शेयर करती हूँ Facebook पे, WhatsApp पे, वो इन्जॉय कर रहे हैं. हमने छोटे छोटे WhatsApp के ग्रुप्स बनाए हैं,
उस पर बातचीत चल रही है, इतनी सारी चीज़ें दुनिया में जो हो रही हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, चाहे मेकअप ट्रेंड्स हों, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो जो है थिंग्स टू डू एंड प्लेसेस टू सी इन द फ्यूचर की जो प्लानिंग हो, वो सब कुछ कर सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं बहुत सारे लोगों को साथ बैठा के. सो देर आर लॉट्स ऑफ वेज दैट यू कैन कॉम्बैट आइसोलेशन. नज़िया आप कुछ कह रही हैं? आई वुड से डॉक्टर, जैसे आपने भी कहा वैसा है, बिकॉज लोगों को ज़्यादा हिट शायद इसका इम्पैक्ट इसलिए भी फील हो रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि हमें बहुत दिनों से आपकी और आपकी आदत है. वॉट अबाउट लुकिंग विद इन फॉर सेल्फ लव? हाउ मेनी पीपल, कितने लोग जो हमें देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत खुश हैं? हाउ डू यू से कि मैं अपने लिए काफ़ी भी हूँ? आई बिलीव इन सेल्फ लव, सेल्फ केयर, लुकिंग आफ्टर माई ओन इनर वेलबींग. मैं लग रही कैसी हूँ? मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी एक हॉबी है, गार्डनिंग कर रही हूँ, म्यूजिक लिख रही हूँ या सुन रही हूँ या गाना गा रही हूँ या फैमिली के साथ जैसे आपने कहा कैरम बोर्ड खेल रही हूँ. एक तो अपने इनर सेल्फ से भी हम डिस्कनेक्टेड हैं, कुड दैट बी वन रीज़न दैट हमें इतनी नेगेटिविटी फील भी होती है आइसोलेशन में जाने से? देखें, आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट आइसोलेशन, सपोजिटली यस, और हम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होके नहीं रह गए हैं. आइसोलेशन का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ ना देखें, कोई ऐसी चीज़ सुने नहीं या कोई ऐसी चीज़ रीड ना करें जो नेगेटिव हो, जो हमें उदास करे या जो हमें ये चीज़ बताए कि जी इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग बीमार हैं. कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों को ना करें. अगर आपने देखना है, स्क्रीन टाइम आप लिमिट कीजिए, और कोई भी न्यूज़ आए उसको आप उसकी रिसर्च करके उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करें. वैसा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे पता है मैं बार बार कुछ ना कुछ कहना चाहती हूँ और डॉक्टर फैसल मामसा को तंग करते रहती हूँ, लेकिन ये बात आई एग्री विथ. एंड सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के करीब ना बैठे, इसका ये मतलब है कि हम बाहर पब्लिक एरियाज पे ना जाएं और जो है फासला रखें. जहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग है तो आइसोलेशन में आप अपने घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. अभी भी हम जो बैठे हुए हैं करीब ही बैठे हुए हैं. For ADHD kids, they are more disturbed by the change in routine. So this is नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा that autistic kids have been affected by change in the routine. You have to spend more time with the autistic kids. You need to change your routine. In a very similar way, अगर आप डॉक्टर से रुजू करें about your ADHD kids, तो डॉक्टर भी आपको ये कहेगा कि आपको one to one time spend करना है with kids who have ADHD. Yes, medications are available, जो कि ADHD को क्योर नहीं करती, सबसाइड करती है, और आपके बच्चे बहुत हद तक नॉर्मल हो जा सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं है. मेन चीज़ ये है कि वालदैन को टाइम उनके साथ स्पेंड करना है, बजाय इस चीज़ के कि ये सोचना है कि उनकी रूटीन आउट हो गई है. एंड दिस सेशन इज सपोज्ड टू बी एन आवर लॉन्ग, सो डू वी हैव इनफ टाइम? Just a few minutes. Okay, so addressing tips on how to de-stress. बहुत ज़्यादा हम अक्सर जो है वो anxious हो जाते हैं, यानी कि हमारा दिमाग बहुत ही जी घबराहट होती है, हमारे दिमाग बहुत ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिमाग तेज़ चलने लगता है, और हम सोचते हैं कि अगर ये हो जाए तो कैसे क्या होगा, अगर वो हो जाए तो क्या होगा. ये एक स्टेट होती है एंग्जाइटी की, जिसमें हम इतने तेज़ जा रहे होते हैं कि हमें नहीं रियलाइज़ करते हम कि अगर हम पीछे हट के एक कदम सोचे तो हम किस तरह से जो है बेहतर फील कर सकते हैं. एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस को साइड बाय साइड, इसमें एक चीज़ है विच इज़ कॉल्ड वेलनेस प्रैक्टिस करना. उसमें जो है वो आप अपने 5 senses यूज़ कर सकते हैं टू कम बैक टू वेयर यू आर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है तो आप जो है कोई ऐसा साउंड सुन लें, कोई ऐसी म्यूज़िक सुन लें जो आपको पसंद हो, जो आपको काम करे. जब आप वो सुनेंगे तो आप वापस प्रेजेंट में आ जाएंगे, आज में आ जाएंगे, और आप रियलाइज़ करेंगे एक कदम पीछे लेके कि ठीक है, सब कुछ सही है. उसी तरह अगर आपको चॉकलेट पसंद है जैसे मुझे, तो मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है तो मैं जल्दी चॉकलेट नहीं खाती. एक पीस लें, मुँह में डालें, उसे सेवर करें, उसके टेस्ट को फील करें कि उसका टेक्सचर क्या है, वो स्वीट है, आपको कितना अच्छा फील कराता है. इससे ये होता है कि आप फौरन से पॉजिटिव और प्रेजेंट स्टेट में आ जाते हैं, एक कदम पीछे हट जाते हैं उस स्टेट ऑफ माइंड से जहाँ बहुत ही
तेज़ आगे दौड़ रहे हैं. इसी तरह आप सेंस ऑफ टच यूज़ कर सकते हैं. आप पेट्स हैं, यू कैन स्ट्रोक अ कैट. आप कोई सॉफ्ट चीज़ को हाथ लगा सकते हैं. सेंस ऑफ स्मेल यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कैंडल और एन ऑयल बर्नर. बहुत सारी मुख्तलिफ तरीके हैं. यू कैन जस्ट, यू कैन ऑल्सो लुक इट अप. इट्स कॉल्ड वेलनेस और वेलनेस माइंडफुलनेस. बेसिकली इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस. और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी यू कैन कम इनटू द प्रेजेंट स्टेट. वन स्मॉल एक्सरसाइज आई विल शो यू इज दैट व्हेन यू आर गेटिंग वेरी स्ट्रेस्ड, आप अपने हाथ को लें टुवर्ड्स योर सेल्फ, मुट्ठी को बंद करें, आंख बंद करें एंड ब्रीद इनटू योर फिस्ट. When you open your fist, you will immediately relax and you'll come back to the present. This is just a small exercise. Aise bhare hue hain mindfulness ke exercises. Practice karein, you'll be able to deal with stress very well. Okay, we have a couple of questions. I believe aapko ye exercise ka bahut acha response milega kyunki ye immediate hai. Apne aap ko center karna aur apne aap ko present moment center karna, exactly. Yes. Coming into the now. So Faiza S. Ahmed says that a lot of teenagers are not taking the threat seriously and want to hang around with friends. How to convince them without raising hell? And दूसरी क्वेश्चन भी साथ साथ कर दूँ या वन क्वेश्चन? मैं सिर्फ इसके लिए ये कहूँगा कि ये वालदैन का काम है कि बच्चों में जो है ये शऊर पैदा करना. क्या आप झगड़ा करके भी कर सकते हैं, आप उनसे फड्डा करके भी कर सकते हैं, चीख चिल्ला के भी कर सकते हैं और आप सॉफ्टली भी कह सकते हैं. माई एडवाइस टू यू वुड भी उनको सॉफ्टली समझाएं और बाकी जिनके साथ वो हैंग आउट करते हैं उनके पेरेंट्स से भी आप बात करें कि जब गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आई हैं, जब WHO से गाइडलाइंस आई हैं, सो यू नीड टू टेक इट सीरियसली. वी हैव अ लॉट ऑफ क्यूड अप मैसेजेस सो क्विकली हम एड्रेस करते हैं सबको. सैयद शहरयार अहमद को आवाज़ नहीं आती बट अब आ रही है. सो मेरा काशिफ, इज देयर अ चांस ऑफ एनिमल्स गेटिंग कोरोना? द चिकन वी ईट और द पेट्स अराउंड अस, वी हैव अ पेट इन द हाउस एक्चुअली. एनिमल के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है. एनिमल्स जो हैं वो करोना वायरस से मर नहीं सकते. और अगर ट्रांसमिट हो सकता है तो फिर हम क्या करेंगे? तो खतरनाक बात होगी. खा रहे हैं उसको कोरोना तो नहीं? वो नहीं नहीं है. अच्छी तरह पका के खाएं, अच्छी तरह उसको उबाल के खाएं. मुर्गी को, बिल्ली को नहीं, बिल्ली को नहीं खाना. हाँ, और बैट्स को नहीं खाना. और भी सारी चीजें जी. नो, यू आर सेफ, यू आर सेफ, योर पेट्स आर सेफ. आपके पेट्स जो डोमेस्टिक पेट्स हैं वो बाहर जा नहीं रहे हैं, तो हमसे ज्यादा सेफ वो हैं घर पे. How to stay positive, Rumesa, in the wake of coronavirus? How to keep zen? आपने एक एक्सरसाइज बताई, थैंक यू सो मच. आपकी तरफ से डॉक्टर साहब अगर कोई एक्सरसाइज या कोई टिप या टेक्निक, हाउ टू मेंटेन दैट यू नो पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस एंड गुडनेस? मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि जो है वो थोड़ी सी आप लोगों को शुरू में करने में मुश्किल हो, लेकिन अगर आप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे. ऐसे लोगों के साथ कुछ दिनों के लिए उठना बैठना कम कर दें जो नेगेटिव बातें करते हैं. ऐसे लोगों के साथ कुछ दिनों के लिए उठना बैठना बंद कर दें जो आपस में ही कोरोना के बारे में बातें करते हैं. अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए. न्यूज़ आपने सुननी है सुबह सुनिए, दोपहर को सुनिए, लेकिन ऐसी न्यूज़ सुनिए जो सेंसेशनलाइज करके बातों को नहीं बताएं. चाहे BBC सुन लें, चाहे CNN सुन लें, अल जज़ीरा सुन लें, लेकिन ऐसी चीज़ सुने जो कि बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को ना बताएं. अपने आप को ये समझाना ज़रूरी है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन को हम वेरीफाई करें. इंटरनेट से वेरीफाई करें, उसके जो लिंक्स हैं उनसे वेरीफाई करें. अगर वेरीफाई हो गया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत हैं, सिर्फ लोगों की बताई हुई हैं. इस बात पे आप अपने आप को थोड़ा सा इत्मीनान दें. कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जैसे रुमैसा ने बताई है उसको प्रैक्टिस करें एंड यू विल बी अ मच कामर पर्सन. सो यस, एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से एज वेल. आई विल रीअश्योर यू कि हम यहाँ पर हैं और हमारे साथ अब आप भी यहाँ पर हैं. पाकिस्तान साथ मिल के कोरोना को कॉम्बैट कर रहा है, मेंटली और फिज़िकली कॉम्बैट कर रहा है. जिस तरह से हमने मास्क ले लिए हैं, ग्लव्स ले लिए हैं, सैनिटाइजर्स ले लिए हैं फिज़िकली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी तरह नेगेटिविटी को भी हर तरफ से ब्लॉक कीजिए ताकि आप मेंटली भी प्रोटेक्टेड हों और अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहें.
इसके अलावा आई विल कीप ऑन एम्फसाइजिंग कि प्लीज़ गो टू आर पेज कैटलिस्ट ओडी, वहाँ पे रजिस्टर करें ताकि हम आपको बता सकें कि हम कहाँ कहाँ सेशंस कर रहे हैं, ताकि इससे आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव है. ऑल ऑफ दीज सेशंस आर गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. आपके पास कोई भी सवाल है आप कैटलिस्ट ओडी के पेज पे सवाल हमें भेज सकते हैं, ना कि पर्सनल प्रोफाइल्स पे, क्योंकि पर्सनल प्रोफाइल्स पे हम शायद वो जवाब ना दे सकें जो एक ऑफिशियल पेज पे दे सकते हैं. इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ रुमैसा रीम ऑफिशियल, उस पर ये सारे वीडियोस अपलोड हो रही होंगी. उसके अलावा आई मार्केटियर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं. ये सारी एक डिटेल शीट बना के कैसे हमें कॉन्टैक्ट किया जाए, कहाँ पे क्वेश्चंस एड्रेस किया जाए, कहाँ से अपडेट्स लें, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वराची के ग्रुप के थ्रू. वराची हमारे बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बैट पार्टनर्स हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग काम एंड कॉम्बैटिंग कोरोना. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप. सदर दानिश, वुड यू से रेकमेंड एनी होम रेमेडीज प्रिवेंटिव, जैसे हनी, लेमन वाटर, गार्लिक वाटर? एंड नादिया, आदिल अहमद सेज ग्रेट इनसाइट. अब्दुल रहीम यूसुफ साहब जो पेरिस से देख रहे हैं, वेरी ग्रेट जॉब, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम. जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू सदर दानिश एंड देन होम रेमेडीज, टर्मरिक, नॉट जस्ट टर्मरिक, हर सोर्स ऑफ वाइटामिन सी. अगर आपको वाइटामिन सी की टैबलेट्स नहीं मिल रही है, नींबू इस्तेमाल करें, संतरे इस्तेमाल करें, कीनू इस्तेमाल करें, एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्रूट दैट हैज वाइटामिन सी इन हाई लेवल. तो वी विल वाइंड अप. एनी पॉजिटिव मैसेज दैट यू बोथ वुड लाइक टू गिव टू द व्यूअर्स? ऑल आई वुड लाइक टू से इज जॉइन अस, स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इस पूरी चीज के बारे में जो हमने बात की है, इसकी अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, लोगों को बोलिए कि हमारे सेशंस को ज्वाइन करें, ताकि वो भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकता है, ये नहीं कि सेकेंड एंड थर्ड हैंड. एंड जस्ट कीप काम, बिकॉज दैट्स वॉट यू नीड टू डू. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस. और आपको रमेश ने जैसे बताया, नेक्स्ट सेशंस के लिए भी वी विल बी अपडेटिंग ऑन द पेज ऑफ कैटलिस्ट ओडी एंड आई मार्केटियर एज वेल. एंड फॉर दोज हु जॉइंड इन टुडे, थैंक यू सो मच. आई होप आपको काफ़ी क्वेश्चंस हमने तकरीबन सारे ही आंसर किए हैं. एंड आई होप यू हैव अ ब्लेस्ड यू नो लाइफ ड्यूरिंग द वेक ऑफ दिस वायरस, बिकॉज वी गॉट अ कॉम्बैट इट टुगेदर. थैंक यू, नॉट टू डेथ, टू टुगेदर. वी नीड टू कॉम्बैट इट टुगेदर एंड वी विल, दिस टू शैल पास.